सुदर्शन चक्र द मोस्ट पावरफुल एंड डिवाइन वेपन टू एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, जिसको धारण करते हैं स्वयं विष्णु भगवान द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। सुदर्शन चक्र जो कि पवित्र हथियार है, उसको अपने हीरे चेता से श्राप मिला और भेजा गया धरती लोक पर। लेकिन क्यों? शक्तियों का घमंड और अहंकार के कारण सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु जी ने पाठ पढ़ाने के लिए श्राप दिया और इंसानी रूप में धरती पर भेजा। वो इंसान हजार हाथ के साथ जन्मा और कर्तव्य वीर अर्जुन के नाम से जाना गया, जो कि माहिष्मती साम्राज्य का बहुत ही शक्तिशाली राजा बना। इतना शक्तिशाली कि वो अपने हजार हाथों से सागर के बहाव को रोक सकता था। इतना शक्तिशाली जिसने रावण तक को पछाड़ दिया। उन्होंने कड़ी तपस्या करके अपने गुरु दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही रूप माने जाते हैं, उन्हें प्रसन्न किया और फिर दत्तात्रेय जी ने उन्हें 5 वरदान मांगने को कहा और उन वरदान को सुनकर वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 2 वरदान और भेंट में दिए, जिसमें से एक वरदान अमर होने का था। उन वरदान के कारण अर्जुन के स्वभाव में क्रूरता और घमंड आ गया और उस घमंड के कारण उन्होंने भगवान परशुराम को चुनौती दी। जब भगवान परशुराम अपने आश्रम में नहीं थे, अर्जुना ने उनके पिता जमादग्नि को मारकर उनकी गाय कामधेनु को ले आए। गुस्से में भगवान परशुराम ने अर्जुना के राज्य में जाकर पूरी सेना के साथ ही उनके पिता का अंत कर दिया, जिसमें भगवान परशुराम ने कहा पिता के बदले पिता। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। नाउ द ईगो वॉज अनकंट्रोलेबल, अर्जुना चैलेंज परशुराम जी एंड द रिजल्ट बहुत ही ऑब्वियस। परशुराम जी ने कर्तव्य वीर अर्जुन को युद्ध में ध्वस्त कर दिया। अर्जुना का शरीर राख में बदलने ही लगा था कि गुरु दत्तात्रेय वहां उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि उन्हें धरती पर क्यों भेजा गया। उस समय अर्जुना का घमंड टूटा और उन्हें पश्चाताप में देख दत्तात्रेय जी ने अर्जुना की राख को वापस सुदर्शन चक्र में बदलकर परशुराम जी को सौंप दिया। भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को सौंप दिया।